بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم والحمد لله رب العالمين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت ابراهيم صلى الله عليه وسلم ليله اسري بي فقال يا محمد أكرِي أمتك مني السلام واخبرهم ان الجنه طيبه التربه عذبه الماء وانها قيع وانها قيعان وان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر حضره ابن مسعود رضي اللہ عنه سے روایت ہے کہ رسول الله عنه في روايه كرسول صل الله صلى الله عليه وسلم نے कि मुझे जिस रात मेराज कराई गई तो मेरी मुलाकात हज़रत इब्राहीम से हुई बस उन्होंने फ़रमाया ए मोहम्मद अपनी उम्मत को मेरी तरफ़ से सलाम पहुँचा दें और इन्हें यह बतला दें कि जन्नत की मट्टी बड़ी पाकिज़ा और पानी बहुत शीरी है और वो चटियल मैदान है इसके दरख्त सुबह अल्लामिल्लाकबर हैं तो इस हदीस में ये बताया कि जिक्र की कितनी फजीलत है कि जितना हम जिक्र करते जाएंगे तो हमारे लिए जन्नत में दरख्त लगते जाएंगे फर्मायाब्राहिम यानी माराज के मौके पर हज़रत इब्राहिम से आप सल्लाम की मुलाकात सातवें आसमान पर हुई फिर फमाया अक्रम्मत मन्न सलाम तो मुहदसिन ने लिखा कि जिस शख्स के पास ये हदीस पहुँचे इसको चाहिए कि हज़रत इब्राहिम के जवाब में वही व बरकातुहु कहे फिर फरमाया हज़रत इब्राहिम ने कि किन्जन्नत तुरबा के जन्नत की मट्टी पाकिजा है ज़ाफरान और मिस की है जब पानी और मट्टी अच्छी हो तो पैदावार भी खूब अच्छी होती है तो इस हदीस में ये तरगीब दी गई कि जन्नत चटियल मैदान है इसमें खूब दरख्त लगाए जाएँ और सुबह अल्लामदिल्ला ये सारा जो है इसके ज़रिए से हमारे दरख्त लगेंगे और दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि जन्नत जो रहने के एतबार से बेहतरीन मकाम है तो वहाँ पर ख़ूब बागात लगाए जाएँ क्योंकि वहाँ की मट्टी बेहतरीन है तो भी जब मट्टी बेहतरीन है तो हम बीज बोने में देर क्यों करें

तो कुछ हिस्से में पहले से बाग मौजूद हैं बाज खाली हिस्से भी हैं तो जितना आदमी तस्बीहात वगैरह पढ़ेगा इतने ही दरख्त लगते जाएंगे और एक दूसरा जवाब यह भी है कि जन्नत में सारे दरख्त इकट्ठे हैं तो जो शख्स जितनी तस्बीहात पढ़ता है तो इसके हिस्से के वो दरख्त फलते और फूलते रहते हैं रजी अल्लाह अब قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انبئكم بخير اعمالكم واذكاها عند مليككم وارفعها في درجاتكم وخير لكم من انفاق الذهب والفضه وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويزربوا اعناقكم قالوا بلى قال ذكر الله تعالى बदरदार्ला ने रिवायत की रसोलस ने फरमाया कि मैं तुम्हें तुम्हारे अमाल में से बेहतरीन अमल न बताऊँ जो तुम्हारे रब के नज़दीक बहुत पाकिज़ा और तुम्हारे दर्जात को बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाला है और तुम्हारे लिए सोने चादी खर्च करने से भी बेहतर है और इससे भी बेहतर है कि तुम अपने दुश्मन से मुकाबला करो बस तुम इनकी गर्दने मारो वो तुम्हारी गर्दने ने मारे सहाबा क्राम ने अर्ज किया क्यों नहीं फरमाया वो चीज़ अल्लाह का ज़िक्र है तो इस हदीस में जिक्र को सबसे अफजल और आला बयान किया गया हालांकि बिल बिलातफ़ाक़ नमाज रोज़ा वग़ैरह ये ज़िक्र से अफजल है तो इसके मुख्तफ जवाब देते हैं एक तो ये कि इस हदीस में ज़िक्र को सब इबादात से अफजल इसलिए कहा कि असल मकसूद तो अल्लाह की याद ही होती है अल्लाह का जिक्र ही होता है जो सारी इबादात का ज़रिया और आला है तो इसलिए इसको अफजल कहा और यह भी कहा जाता है कि ज़िक्र से मुराद ज़िक्र कलबी है ना कि ज़ुबानी ज़िक्र यानी दिल हर वक्त अल्लाह के साथ जुड़ा रहे अल्लाह के साथ वाबस्ता रहे तो फिर इंसान से अल्लाह का कोई हुक्म छूट नहीं सकता और कोई नाफरमानी हो नहीं सकती तो यकीनन ये जिक्र तमाम इबादतों से अफजल है और यह भी कहा गया कि जिक्र से दिल की सफाई होती है जैसे कि दूसरी रिवायत में मजकूर है कि हर चीज के लिए कोई सफाई करने वाली और मेल कुचैल दूर करने वाली चीज है तो दिलों की सफाई करने वाली चीज अल्लाह का जिक्र है तो यकीनन हर इबादत की जान और हर इबादत का दार मदार दिल की सफाई पर है तो इसलिए ज़िक्र को सबसे अफजल कहा गया और यह भी कहा जाता है कि हर वक्त और आम हालत के एतबार से है यानी आम हालत में और हर वक्त तो जिक्र ही अफजल है वरना वक्ती एतबार से कभी सदका अफजल कभी जहाद कभी दूसरी इबादत जो हैं वो अफजल बताई जाती हैं तो इस तरह से बहर हाल ये मालूम हुआ کہ ذکر کی بہت زیادہ فضیلت ہے زیادہ سے زیادہ ہمیں ذکر میں مشغول رہنا چاہیے عن سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه انه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امراه وبين يديها او حسن تصبب به فقال اخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل فقال سبحان الله عدد ما خلق في السماء وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك وسبحان الله عدد ما هو خالق والله أكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك हज़रत सात बिन अबी वक् रद्ला से रिवायत है कि रसोल्ला सल्ला वसम के साथ एक औरत के पास आए इनके पास कुछ खजूर की गुठलियाँ या कंकड़ियाँ पड़ी थीं वह इनके ज़रिए तस्बी पड़ रही थी तो आज सल्ला वम ने फरमाया मैं तुम्हें ऐसी चीज़ बताता हूँ जो तुम्हारे लिए इससे आसान या ये, ये फरमाया कि इससे अफजल है और फिर फरमाया यानी कि सुबहान अल्लादामा खौला यानी इसका तर्जुमा यह है अल्लाह ताली के लिए पाकि है इस मखलूक की मकदार के बदर जो आसमान में है अल्लाह ताली के लिए पाकि है इस मखलूक की मकदार के बदर जो ज़मीन में है अल्लाह ताली के लिए पाकि है इस मखलूक की मकदार के बदर जो इन दोनों के दरमियान में है अल्लाह ताली के लिए पाकि है इस मखलूक की मकदार के बदर जिसको वो पैदा करने वाला है और अला अकबर भी इसी तरह है और अल्हम्दुलिल्लाह भी इसी तरह है और ला ला भी इसी तरह है इसी तरह है और कुव्वता भी इसी तरह है तो बाज़ रिवायतों में ये आता है कि वो ख़ातून वो औरत यानी जिनके पास नबी करीम और हज़रत औरत बिन नबी वक़ास रज़ी तशरीफ़ ले गए यहाँ तो वब्न हज़रत जुबैरिया रज़ी थी, 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 थी या हजरत सफ़िया रजी अल्ला थी, या और कोई अजवाज मतहरात में से जोजा थी, तो अब इस पर यह शुबा पैदा होता है कि हज़रत साद रजी ये कैसे देख लिया तो इस शुबे का जवाब ये है कि इस वक्त तक पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था तो आज सल वसम ने इनको फ़रमाया कि ये तस्वीर पढ़ो जो आसान भी है और सवाब के अतबार से ज्यादा भी है और फिर वो तस्वी बयान फरमाई जो हदीस मुबारक में है तो इस तस्वीर को पढ़ने का मतलब ये कि इसका अजर सवाब बहुत ज्यादा है तो हमें यह इस तस्वीर पढ़नी चाहिए और इसको अपने जिक्र में शामिल करना चाहिए फिर आपने ये फरमाया वल्लाहु अकबर मिसला तो इस जुमले के बारे में दो एहतमाल हैं पहला अहतमाल तो ये कि नबी करीम सल्ला वसम ने ये जो तस्वीर बयान फ़रमाई सुबह अल्ला काफमाय सुबहानल्लाद मा खला का फिलहरी तो इसी तरह अल्लाह अकबर वग़ैरह की को भी तफसील से बयान किया होगा मगर रावी ने इक्तसार की बिना पर अकबर मिसला ज़ालिका कह दिया और दूसरा अहतमाल ये भी मुमकिन है कि आप सल असलम ही ने आददा मा खलक और मा कहने की बजाय मिसला फरमाया तो इसी तरह बाद के दोनों जुमलों में ये दोनों अहतमाल होंगे यानी आप ने की से किया या सहाबी ने किया वन अबी मूस रसिल्ला रसूल सल्लास अला कनजमिन कनोजन्नाकुल रसूल्ला वत बिल् मुतफ़ाकन अल हज़रत मूसा अन्हु बयान करते हैं कि मुझे रसूल सल्हल वसलम ने फ़रमाया क्या मैं तुम्हें जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाने की ख़बर ना दूँ तो मैंने अर्ज़ किया क्यों नहीं या रसूल इरशाद फ़रमाया بالله तो इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्ला बिल्ला की फजीलत बयान फ़रमाई तो इसको फरमाया जन्ना यानी जन्नत के ख़जानों में से एक खजाना है ख़ज़ाने का मतलब ये है कि इसका सवाब कल क़्यामत के दिन ख़जाने की सूरत में होगा गोया कि ये कलिमात खजाना ही है और दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि इसके पढ़ने का असर यह है कि इस इससे आदमी का दिल गनी होता है तो इसके दिल में ये यकीन पैदा हो जाता है कि हर काम अल्लाह ही की तरफ से है नफ़ा और नुकसान इसी की तरफ से आता है फिर वो अपने तमाम अमूर को अल्लाह की तरफ सपोर्ट कर देता है या इस जुमले से आज सल्ह वसलम की मंशा इस कलमे की कदर वकीमत को बयान करना है कि किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा कीमती बनाने के लिए इससे बेहतरीन ताबीर नहीं हो सकती बाज़ मशाफ तरीक़त का इरशाद है कि शिर के जली और खफी और दिल की दूसरी कदूरतें दूर करने के लिए और ईमान और मार्फत का नूर हासिल करने के लिए जिस तरह इल्लल्लाह का ख़ास असर है इसी तरह अमली ज़िंदगी दुरुस्त करने में यानी अतात की ज़िंदगी बजा लाने में और मुनकर से बचने में इस कलमा यानि इल्ला बिल्ला को ख़ास दखल है तो इससे हमें मालूम हुआ कि इस कलमे की बहुत ज़्यादा फजीलत है तो इस कलमे को पढ़ते रहना चाहिए अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इन दुआओं का इन अजकार का इन अजकार के तमाम की तोहफ़ी कता फ़रमाए हमारे दिल में इनकी कदरों की मत बैठ जाए ताकि हमारा एक लम्हा भी जिक्र से खाली ना गुजरे उम्मीद है कि आपको आज का सबक समझ आ गया होगा रहमतुल्लाहि व बरकातहू